हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सॉरी यार, मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। थोड़ी एक्चुअली तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं बात करूंगा रियलिटी और मिथ के ऊपर। जैसे क्वेश्चन आए थे मेरे पास, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। रियलिटी कुछ और है, मिथ कुछ और है। रियलिटी बोलती है कि ये चीज़ यहाँ पर स्टेबल है तो यहाँ से ही शायद जाएगी। मिथ क्या है कि आपको बताया कुछ और जाता है और रियलिटी पीछे कुछ और है। सपोज किताबों के ऊपर लिखा हुआ है कि जेवलिन की जो बेस्ट डिग्री ऑफ एंगल है वो 45 डिग्री है। आप सबने सुना भी होगा जेवलिन का एंगल है जो 45 डिग्री पे जाए तो फिर वो अच्छी रेंज कवर करती है या डिस्टेंस पकड़ती है या हाइट अच्छी देती है। पर ये एक मिथ है मेरे हिसाब से, रियलिटी नहीं है। किताबों में है, मैं वो नहीं बोलूँगा कि किताबों को मैं झूठा साबित कर रहा हूँ। नो, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप प्रैक्टिकली चलो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलोगे तो आपको पता चल जाएगा। और पॉसिबल, जैसे ये सिंपल है, ये 45 डिग्री ये यहाँ पर बनेगी, ये पैलर है, ये 45 यहाँ पर बनेगी, तो मेरे यहाँ से 45 ये बनती है। तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जेन जेलेंसनी की, तो मेरा ख्याल वो बोलते हैं कि जेवलिन की बेस्ट डिग्री ऑफ एंगल जो है, रिलीज ऑफ एंगल है, वो 32 to 36 लास्ट है। मेरा मानना भी यही है। तो हम 45 से नियर अबाउट 9 डिग्री नीचे हैं, हम ऊपर नहीं हैं। वो 45 बोलते हैं, 36 लास्ट बोलते हैं। तो कोई बहुत हाइटेड भी है, उसके अकॉर्डिंग हाइट तो डिग्री तो उतनी रहेगी। वो आपकी हाइट अलग है या वो अलग है, वो तो मायने नहीं करता। और सेकंड मिथ की बात करूँ तो कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरी हाइट छोटी है। हाइट कितनी है मेरी? 5'7" है, मेरी 5'8" है, मेरी 5'6" है। तो यार ये भी एक मिथ है। बहुत लंबी हाइट वाले जेवलिन फेंकेंगे, बहुत छोटी हाइट वाले यानी 5'7" वाला 5'8" वाला फेंक नहीं सकता, ये गलत है। यू जस्ट चेक ऑन यूट्यूब या गूगल, चेक ऑन गूगल कि जूलियस येगो की हाइट क्या है। तो जूलियस येगो की मेरा ख्याल 5'8" हाइट है और उन्होंने 92.72 मीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मीट रिकॉर्ड किया था। तो कीनियन रिकॉर्ड भी उनके नाम पे है। वेयर इज हाइट? सेकेंड बात करूँ चाइनीज ताइपाई, जो जिसने जिसका तकरीबन एशियन रिकॉर्ड है जिनका 5'8½" 8.5 इंच 5'8" उनकी हाइट है। तो इतना मायने रखता, मेरी खुद की बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं किसी की और बात क्या करूँ। तो हाइट कुछ वो फायदा नहीं, मिथ है, रियलिटी नहीं है। आप इसमें स्ट्रेंथ, इसमें शाइनिंग, इसमें आप टेक्निक कितने प्लस पॉइंट है मैटर वो करता है। टेक्निक इज कंपल्सरी, वो मिथ नहीं है, वो रियलिटी है। पावर रियलिटी है, मिथ नहीं है। स्टेबिलिटी रियलिटी है, मिथ नहीं है। कोऑर्डिनेशन रियलिटी है, मिथ नहीं है। ये सारी चीज़ें वो हैं। मिथ क्या होता है कि मैंने स्टैंडिंग इतनी थ्रो मारी, भाग के कितनी बनती है। सपोज मैंने स्टैंडिंग 60 मीटर मारी तो भाग के क्या मैं 80 मीटर मारूंगा? नो, ये मिथ है। भाग के तब काम करेगी अगर मेरा रनवे फ्लो बहुत अच्छा है, मेरी ब्लॉकिंग बहुत अच्छी है, विड्रॉल टाइम मैं जेवलिन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, लास्ट में थ्रो करते टाइम मैं बिल्कुल लेफ्ट में नहीं गिरता हूँ, या जेवलिन के पीछे फॉलो थ्रू मेरा बहुत अच्छा है, तो मैटर करती है कि हाँ 20 मीटर भी डिस्टेंस आ सकता है स्टैंडिंग से। अगर मेरा रनवे बहुत स्लो है, जेवलिन मैं हर स्टेप में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सपोज विड्रॉल किया तो यहाँ से हिलती रहती है, तो वो आपकी 20 मीटर कवर नहीं कर पाएगी, वो आपकी 60 से 65 हो जाएगी। तो आप उसी चीज़ में उलझे रहते हैं, यार मेरी स्टैंडिंग इतनी अच्छी है, मेरे को और पावर बढ़ानी है, और पावर बढ़ा लो। पावर बढ़ाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है जो आपकी टेक्निक में है। और मिथ बोलूं तो नॉन वेज और वेज, ये बहुत सारे एथलीट्स का आता है मेरे पास सर, डाइट में नॉन वेज के बिना हमारे सर बोलते हैं थ्रो नहीं होती, नॉन वेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये भी एक मिथ है, रियलिटी नहीं है।
तो डियर रियलिटी ये है कि नॉन वेज और वेज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको सपोज प्रोटीन, चिकन में प्रोटीन ही मिलता है, मैक्सिमम जो मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा वो प्रोटीन होता है। फिश में प्रोटीन होता है, बीफ में प्रोटीन होता है, मटन में प्रोटीन होता है, ये सारा चीज़ प्रोटीन मोस्ट होता है उनके अंदर। तो मैं उसका कंपेयर करूँ तो ब्रोकली, जो हरे रंग की गोभी आपने इतने बड़ा फूल देखा होगा, उसको आप बॉयल करके लोगे तो मेरा ख्याल उससे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और अगर आप सिर्फ एक प्रोटीन के पीछे नॉन वेज लेना चाहते हो तो प्रोटीन के डिब्बे भी आते हैं मार्केट में, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के। मैं ये नहीं आपको बोल रहा हूँ कि आप वो लो या इस कंपनी का ही लो, ये कंपनी बहुत अच्छी है, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड है आपको वो लेना है या नहीं। बट मैं इतना ही बता रहा हूँ कि रियलिटी और मिथ, तो नॉन वेज के बिना आप थ्रो नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ी मिथ है, इसको भी आप कहीं दिमाग में मत बिठाना कि नॉन वेज के बिना तो मेरी थ्रो नहीं होगी, होगा सब कुछ होगा। प्रोटीन आपको अगर वो उसमें 50 ग्राम 60 ग्राम मिल रहा है तो एक स्कूप के अंदर, जो प्रोटीन शेक का एक स्कूप आता है उसके अंदर 30 ग्राम मिल जाता है, दो स्कूप में आपको 1 kg चिकन के बराबर आपके दो स्कूप हैं। तो आपको नॉन वेज के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं, और बहुत चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो वेजिटेबल्स में, लहसुन वगैरह लोगे तो आप फील गुड करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वेज में भी, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है आपको नॉन वेज लेना ही लेना है। थर्ड उसके बाद मिथ आ जाती है कि अब आप लेट हो गए गेम करने में, गेम स्टार्ट करने में, जैसे आप 20 साल के हो गए तो अब आप लेट हो, आपको पहले करनी चाहिए थी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी एक मिथ है। हाँ थोड़ा लेट इसलिए बोलूँगा कि टेक्निकली वाइज आपको जिन्होंने 16 या 17 या 18 में स्टार्ट की थी वो टेक्निकली आपसे थोड़े से साउंड होंगे, पर ऐसी कोई बात नहीं है, आप जल्दी से कवर करना किसी चीज़ को समझते होंगे कि वो दो टाइम वर्कआउट करता तो आप तीन टाइम स्टार्ट कर दो, जल्दी ही कवर कर लोगे। तीन टाइम का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डंकी स्टाइल, गधा स्टाइल, हैवी करो पागलों की तरह, नहीं, स्मार्ट वर्कआउट करो, टेक्निकली ज़्यादा से ज़्यादा साउंड रहो तो आप उनको कवर कर लोगे। तो लेट कुछ भी नहीं है, 20 साल भी लेट नहीं होते, 21 साल भी लेट नहीं होते, आप जब चाहो आप कर सकते हो। फिर मिथ की बात करूँ तो हाइट हो गई या सारा, तो चलो उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो पेंस के ऊपर ही आ रहे हैं, जो मैंने वीडियो बनानी अभी थोड़ी ब्रेक करी थी, मैं इंजर्ड था इसलिए, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी आपको एल्बो के बाद शोल्डर की वीडियो स्टार्ट कर दूंगा अभी बनानी, तो थोड़ा अवीकनेस फील कर रहा था, डॉक्टर ने रेस्ट बोली थी, तो नो प्रॉब्लम, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में जिसके अंदर मैं हो सके तो शोल्डर इंजरी के बारे में आपको बताता मिलूँ, और जिम में बताना है तो वो घर में मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं घर में आपको इंजरी बताता रहूँ, एक्सप्लेन करूँ आप सही से समझ नहीं पाओगे किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जिम में ही मैं बढ़िया बता दूंगा, जैसे मेरा एक सेशन था एल्बो के ऊपर जिम में, तो उसी तरह ही मैं आपको जिम में ही जाके बताऊँगा वो, तो किसी दिन चलता हूँ जिम में और वहाँ जाके आपको वीडियो भेजता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, ओके बाय।